पूर्णिया के मीरगंज थाना के ग्राम रक्षा दल के जवान दर्जनों की संख्या में अपनी मांगों को लेकर जिला लोक शिकायत कार्यालय में शिकायत की। इन जवानों का कहना था कि 2001 से ही ग्राम रक्षा दल का गठन किया गया और तब से वे लगातार अभी तक काम कर रहे हैं, मगर उन्हें भत्ता के रूप में अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। इन लोगों की मांगे थी कि भत्ता के रूप में सरकार की ओर से लाठी, टार्ज, वर्दी आदि मिले। साथ ही इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर कहा कि अगर लोग शिकायत प्राधिकारी से शिकायत करने के बाद उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वे लोग जिला प्राधिकारी से भी शिकायत करेंगे। हम लोग शिकायत इसलिए करने के लिए आए हैं कि हम लोग 2001 से जब से केसी सुरेंद्र बाबू एसपी थे, उस टाइम 2001 में हम लोगों को ग्राम रक्षा दल का गठन किया गया, जिसमें कि अध्यक्ष राजेश वर्मा जी पूर्णिया के थे। तो शुरू से अभी तक अपराध नियंत्रण में हम लोग गश्ती, चौकी, रोड, डिप्टी, दशहरा, मुहर्रम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, अभी भी वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं और हम लोग को अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार की ओर से कुछ हम लोग भत्ता चाहते हैं कि मिले, वर्दी, लाठी, टॉर्च, भत्ता सब। अभी आप लोग आए यहाँ पे, क्या हुआ? यहाँ आए तो हम लोगों को डेट दिया गया, बार बार हम लोग आते हैं, डेट पड़ते रहता है, जो कि 29 का डेट फिर पड़ गया। इससे पहले कब का डेट था? इससे पहले 28 का डेट था, 28/3 का। इसके बाद 13/4 का हुआ। किस चीज़ को लेकर डेट दिया जा रहा है आप लोग? ग्राम रक्षा दल का जो दिए थे हम लोग वर्दी भत्ता के बारे में मांग अपना। आप लोग कहाँ से? सभी लोग कहाँ हैं? मीरगंज थाना से। आप सिर्फ मीरगंज से और सब कहाँ से? नहीं, मीरगंज थाना का टोटल है।